यास का असर, पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने और भारी बारिश की घटनाओं में 5 लोगों की हुई मौत। मेरठ में ब्लैक फंगस के मामले बढ़े, 11 नए केस के साथ 147 पर पहुंचा आंकड़ा। गृह मंत्रालय का आदेश, 30 जून तक जारी रखे कंटेनमेंट जोन और पाबंदियों जैसे दिशा निर्देश। अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से 360 लोगों की फर्जी नियुक्ति जारी करने वाला गिरफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल किया लॉन्च, बोले कोरोना काल में डीआरडीओ का योगदान अहम। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तूफान से मची तबाही पर होगी चर्चा। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बनने से कम होगा 30% ट्रैफिक प्रदूषण का ग्राफ, भी होगा लॉकडाउन। अप्रैल में रहा आगरा में कोरोना वायरस बेकाबू, अब आ रहे हालात नियंत्रण में। पाकिस्तान के दोस्तों ने भारत की ओर बढ़ाया हाथ, तुर्की सैन्य विमान से नई दिल्ली पहुंची मेडिकल सप्लाई। केंद्र के बाद किसानों के निशाने पर, अब पंजाब की कैप्टन सरकार सीएम के निवास के बाहर देंगे धरना। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।